मौसम कितना मस्त जबरदस्त हो रखा है, बादल बादल छाए हैं सारी जगह, देख रहे हो क्या मौसम हो रखा है मस्त सा। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग हो? मस्त जबरदस्त बिंदास होंगे। और बहुत दिन से व्लॉग नहीं आते ना, तो मैंने सोचा आज व्लॉग निकाला जाए। यार मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं मिलता यार, मतलब बस यही बात है, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है इसलिए कभी शॉर्टेज है इसलिए कभी कभी आते हैं यार व्लॉग अब खासकर। और कहीं जाना भी नहीं हो रहा है, अपना रोज कोचिंग वाला काम है तो कोचिंग जाओ, ज़्यादा ही ध्यान वहाँ ही आकर्षित हो गया, क्या करें। ऐसा ऐसा कुछ नहीं आकर्षित, मतलब पढ़ाई में, थोड़े पढ़ाई लिखाई में, मतलब कुछ ऐसा है ना वाइब अपने में कि मतलब चाहे दिन कैसा भी हो, मतलब खुद ही मैं तुम्हारी अंकी अच्छा बना देती है दिन अपना ना। ज्यादा खास कुछ नहीं है फिलहाल, तो यही है। देखो मैंने कल छुट्टियां बनाई थी और कल से ही छुट्टियां ऐसी हैं तो ऐसी हूं ना मैं, थोड़ी एंटिक्स। आगे कड़क वाली धूप धूप धूप, कहीं नहीं जाना हो रहा, सीधा जाएंगे अपने कोचिंग में। इसके अलावा और कुछ नहीं है यार दिनचर्या, अभी तो यही दिनचर्या। वो देखेगी ऐसी जल्दी पल्ली नल्ली भी हूँ मैं, और धूप से ना आंखें बंद सी हो रही है, क्या करूं, कुछ नहीं करूं, अंदर चलते हैं। बिस्कुट देखो यार किसमें आलू की, लो बग्गे बिल्ले यहां दा की करेंगी। टॉफी तो सुनी थी और बिस्कुट भी आ गया, और ये बिस्कुट में सारे गरम मसाले, देखो ऐसे बिस्कुट ट्राई करना पर टेस्टी है काफी ज्यादा। ये भी आ गया, देखो नन्ना क्या चाहिए आपको मेरी छुट्टू। ये हरकत किसकी, ये हरकत मेरे भाई की है, खा पी के ऐसे इसके नीचे डाल दो, कभी बैठ के पीछे फेंक दो। साथ में तो ये ले लिया हमने बूंदी, ले भाई एक तेरी एक मेरी, चले तू भी पकड़ ले चल। आज है मंगलवार, आज हम आए हैं हनुमान मंदिर, और आज भी काफी प्यारी शाम हो रही है रोज की तरह, और आज है हनुमान जी का दिन तो हनुमान मंदिर आना जरूरी था। बहुत दिनों बाद आ रही हूँ, कभी कभी आती हूँ, रोज का नहीं है सच बताऊँ तो, कभी कभी आना है। दोनों एक में रख देना। हनुमान जी के दर्शन, बढ़िया रहा, मजा आ गया, और आज का मौसम दोबारा कल जैसा ही जबरदस्त बिंदास मजेदार है। तो अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश, क्योंकि हम कल एक लीड लाए थे ना तो वो खराब हो गया, तो वो चेंज कराने जा रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं एक मस्त जगह, दिखाओ तुम्हें पक्का, दिखा दू 100% दिखा दू। ये देखो व्यू, देखो तुम यहाँ का एक बार, क्या जहर लग रहा है ना। तो अभी मैं हूँ मरीन ड्राइव में, और मेरे को ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये बैक साइड एरिया है मरीन ड्राइव का, और सामने देखो जरा इतने पहाड़ वाड़, और ये है गंगा नदी, सामने है त्रिवेणी घाट, और वेदर देखो, चेक आउट द वेदर, बहुत ही सुंदर वेदर उर्क है। और सामने देखो जरा, दूर दूर तक तो देखोगे ना नदियाँ ही और पहाड़ ही दिखेंगे आपको, और मौसम भी काफ़ी अच्छा उर्क है। और ये है तुम्हारी यहाँ पैंकी, और बहुत दिन से व्लॉग नहीं आ रहे तो फाइनली आपके लिए व्लॉग लेके आ चुकी हूँ मैं। पहले ये पानी ना उसके आगे रहता था, अब ये पानी देखो पूरा मरीन ड्राइव को अटैच कर रहा है, पूरा मरीन ड्राइव तक आ रखा है पानी, मत आना भैया अभी गंगा जी में डूब जाओगे वरना। ये देखो मंकी जी क्या कुछ खा रहे हैं यहाँ पे आराम से बैठ के। हमारा मन था थोड़ा ऐसी चोटर बोटर खाने का, तो बेकरी से अभी ले लिया हमने। गुड इवनिंग गाइस विद नन्नू, नूना शो के उठ गई है, ये देखो जरा यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफी, लाते जूते घुसे पता नहीं कौन सी, तुम्हें पता होगा तो बता देना यार, एकदम मस्त वो लग रही है जबरदस्त करके, थोड़ी सी और रह गई इसमें, छीनी अभी बढ़िया करके निकली है। मैं एक ऐसी पुरुष नहीं यार, महिला सॉरी, मैं ऐसी महिला हूँ जो कॉफी पी रही है, पता नहीं अजीब सी अचानक से चूल चढ़ी और मैंने सोचा यार ये घिनौना काम किया जाए। बाकी एकदम बढ़िया बन गई है स्पॉन्जी, ये देखो इतनी बढ़िया कॉफी बन के तैयार हुई है, मस्त कॉफ़ी मेकर हूँ, दूसरी तीसरी बार बनाई है बट ठीक बनी है, बढ़िया है, टेस्ट अच्छा है। और ये मेरा ऑल टाइम की तरह गरीबू वाला कप, एक ही है मेरे पास। जो बिल्ली हमारी बहुत एक्टिंग करती है, देखो उन्होंने लंबा को सो रखा है सोफे में। मेरी छोटू रोटी खा ली, मेरी छोटू ने रोटी खा ली है, पेट भर गया। हाँ देख रहे बड़ा गुंडा है ये हमारे घर का ना गुंडा, यहाँ डाल के यहाँ डाल लिया हाथ, ये देखो क्या हो गया ये बाबू के हाथ वहाँ डाल दी,
ले अब ठीक है, ये आ गया हाथ वापिस। हाथ देख रहा अपना, अभी देखने देंगे इसका हाथ वहाँ डालूंगी, बोलेगा कहाँ गया कहाँ, ये हाथ गायब हो गया, हाथ कहाँ गया, हाथ ले आओ हाथ गिरा। मजा आ गया अंकल, ये एकदम ये आगे ही नहीं बढ़ रही, एक ना आप क्या बना रहे, एक ना इंसानियत की बात होती है। हम ऋषिकेश आए थे, मतलब ना यहाँ पे एक अंकल थे मेडिकल वाले, तो भाई वो हमसे लड़ने लग गए कि हमारी, आपको भी पता है मेरी गाड़ी बहुत टाइम से खराब चल रही है, तो भाई ये अंकल है देखो लड़ने लग गए, बहस करने लग गए, मुझे कह रहे कैमरा बंद कर दो, मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं आप कर लो जो कर सकते हो ना आप कर लो, मतलब मुझे हंसी भी आ रही, मैंने आज तक औरों के ब्लॉग में देखा था कि ऐसे भी होता है, मैं सोचती थी वो चीज़ गलत है यार, पर क्या हुआ मैंने अपनी स्कूटी खड़ी करी, क्योंकि आपको भी पता है मेरी स्कूटी में प्रॉब्लम चल रही है और आगे ही नहीं बढ़ रही थी, तो मैंने एक शॉप के आगे खड़ा करा था और वो मेडिकल शॉप थी, तो वहाँ पे एक आंटी थी, तो उन्होंने ना स्कूटी यहाँ पे मत खड़ा करा, मैंने ना आंटी हम दो मिनट में आ रहे हैं मैकेनिक को लेके, स्कूटी ख़राब हुई है, और मैं वहाँ से चले गई, ठीक है। तो फिर मैं वापस आई तो आंटी के हस्बैंड आते हैं वहाँ पे, तो बोलते जब मेरी वाइफ ने मना करा था कि स्कूटी यहाँ पे लगानी तो आपने कैसे लगानी, मैंने अंकल मेरी स्कूटी आगे ही नहीं बढ़ती है, मैं मैकेनिक लेने गई थी और मैकेनिक भाई भी मेरे साथ थे, तो मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया मैंने कि ये गलत है, तो जैसे मैंने वीडियो बनाई वैसे अंकल बोलने लगा कि ये आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो, ऐसा वैसा मेरी भी दुकान में कैमरा है, मैं भी वो कर सकता हूँ प्रूफ, मैंने ना आप दे दो प्रूफ जिसको जो देते, मैंने गलती क्या करा, मैंने स्कूटी तो खड़ी करी इंसानियत के नाते, आप समझ सकते हो कि मुझे ये इशू हो रही है जो भी है, पर अंकल ने समझी नहीं, वो मतलब इतना हल्ला मचाने लग गए वहाँ पे, ऐसी बात थी, तो यार क्या हम किसी की अच्छा इंसान भी होगा ना, तो जब उसके साथ कुछ गलत होता है ना, वो ऐसी कितनी अच्छी इंसानियत देखे ना, वो भी किसी की मदद नहीं करता थे, तो मैं तो यही कहूँगी लोगों को यार, आप किसी के साथ अच्छा रहोगे ना तो ही अगला आपके लिए करेगा, वरना तो अच्छा से अच्छा इंसान भी होगा ना हेल्प कर रहा होगा, वो भी हेल्प करना बंद कर देगा। तो हम सीधा रुके गन्ने के जूस वाले भाई के पास, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है हमको, तो जूस पियेंगे पहले हम, हाँ गन्ने का जूस, मज़ा आ गया। It's me. ओ बेटे क्या जा रहा है ये, देख रहे हो जरा तार में भी चार्जर जाते हैं हमारे यहाँ, देख रहे हो सिस्टम है ये उत्तराखंड वालों का।